सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खदीरा रिस्क के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है, ये सारी जानकारियां जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखिए, खदीरा रिस्क जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, और इधर जो है लेकिन मैं दिव्य खदीरा रिस्क के बारे में बता रहा हूँ, या फिर इसको आप जो है पतंजलि खदीरा रिस्क भी बोल सकते हो। तो चलिए प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप 450 ml की बॉटल लेते हो तो ये आपको 70 रुपये में मिलेगी। तो प्राइस जो है समय के अनुसार जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो खदीरा रिस्ट है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, या फिर मैं बोल दूँ कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से बनाया गया ये खदीरा रिस्ट है जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो इसमें देखिए, खदीरा तो मिलेगा लेकिन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और मिलेंगे। तो खदीरा को खैर भी कई लोग बोलते हैं, और ये जो है 100% वेजिटेरियन है। और अगर हम इसकी एक्सपायरी के बारे में बात करें तो 10 साल की इसकी एक्सपायरी होती है। तो जितने भी अरिष्ट या अरिष्टा होते हैं ना, तो उनकी एक्सपायरी जो है 10 साल की होती है। तो इधर जो है, अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का भी लेना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो उधर से आप इसको जो है परचेज भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो खदीरा रिस्ट है ना, मेनली जो है आपकी स्किन डिजीज के लिए होता है। किसी भी प्रकार की आपको स्किन से रिलेटेड बीमारी है या फिर चर्म रोग है तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है खदीरा रिस्ट। इसके अलावा आपके जो ब्लड को, खून को साफ करता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, और ये टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने का काम करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको भी बाहर निकालता है, और डाइजेशन आपको इम्प्रूव करता है। अगर डाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो उसको भी ठीक करता है, और पिंपल्स एक्ने से जो परेशान हैं तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है ये खदीरा रिस्ट। इसके अलावा स्किन में सिस्ट है तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद होता है। फोलिकुलाइटिस जो होता है, जिसको हम बाल तोड़ कहते हैं, उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। कई लोगों को देखा होगा आपने, बार बार बाल तोड़ हो जाते हैं, हर 2-3 महीने बाद बाल तोड़ हो जाता है। इसके अलावा ट्यूमर में काफ़ी फायदेमंद है, और स्किन एलर्जी से अगर आप परेशान हैं, स्किन एलर्जी बार बार हो जाती है तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। दांत खाज खुजली है अगर, तो उससे भी काफ़ी फायदा मिलता है, लोगों को राहत मिलती है खदीरा रिस्ट लेने से। इसके अलावा अगर आपको सर्दी होती है या कफ होता है तो उसमें भी ये फायदा करता है। कुष्ठ रोग है उसमें भी फायदा करेगा, अस्थमा है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, तो ये सभी प्रकार की जो आपके स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनमें ये फायदा करता है। तो इधर मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप अगर ये खदीरा रिस्ट लेते हो तो इससे गोरे नहीं होगे। जो भी बोलता है गलत बोलता है, गोरे नहीं होते। हमारी स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो हमको नहीं होती है, और ना ही इससे वजन कम होता है। तो इधर देखा आपने इसके कितने सारे फायदे हैं। मेनली फायदा है इसका स्किन में, आपकी चर्म रोग अगर आपको होता है तो आप एक बार इसको जरूर लेकर देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके डोज के बारे में हम बात करते हैं, कैसे आपको लेना है। तो 15 से 30 ml एक बार में लेना होता है, और एक दिन में आप इसको 2 बार तक ले सकते हो। तो ये कुछ भी खाने के बाद लेना है, नाश्ता करने के बाद लेना है, करीब 20 से 30 मिनट बाद आप इसको ले सकते हो। और ये जो है आपको पानी के साथ लेना है, पानी में मिलाकर। मतलब अगर आप जैसे कि इसको 15 ml लेते हो तो 15 ml ही इसमें पानी मिलाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा समस्या नहीं है तो एक दिन में केवल एक ही बार लीजिए, और अगर आपको समस्या है या फिर फायदा नहीं मिलता है तो आप एक दिन में इसको मैक्सिमम 2 बार तक ले सकते हो। मेल हो या फीमेल हो, कोई भी इसको ले सकता है। और बच्चों के बारे में बात करूँ तो बच्चों को नहीं देना है, और अगर बच्चों को देना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी इसको दें। और बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी नहीं लेना होता है खदीरा रिस्ट। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका देखिए साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, और एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई गई जो है ये मेडिसिन है, या फिर हम इसको सिरप भी बोल सकते हैं। तो इसका नुकसान कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आपका पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि पेट में दिक्कत हो रही है या कुछ हेल्थ में इशू लग रहा है आपको, तो आप इसको लेना बंद कर सकते हो। लेकिन इधर डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो ना लें, क्योंकि थोड़ा सा मीठा है, और मीठी चीज़ जो है डायबिटिक पेशेंट को मना किया जाता है। तो एक बार जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो। तो अब भाई इधर कोई दूसरी मेडिसिन हम पहले से ले रहे हैं, मान लीजिए कोई स्किन से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हो, चाहे आप कोई से भी मेडिसिन ले रहे हो। बस टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई मेडिसिन अभी ली तो उसके 4 घंटे बाद जो है आप खदीरा रिस्ट जो है लीजिए। अब भाई रिजल्ट कब तक मिलेगा? तो देखिए कम से कम आपको 3 महीने लेके देखना है, और 3 महीने में आपको अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। और अगर आपको फायदा नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी अगर आप ये खदीरा रिस्ट लेते हो तो, या फिर नहीं भी लेते हो तो। तो देखिए स्किन से रिलेटेड अगर आपको बार बार डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो आपको हाइजीन रहना है, साफ सफाई से रहना है, और जैसे कि किसी के कपड़े या किसी की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है,
वो जो बारिश में गीले होते हो ना, तो आप तुरंत कपड़े चेंज कर लीजिए, गीले कपड़े मत पहनिए, अदरवाइज तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, दांत का खुजली हो जाएगी। तो बारिश में ख्याल रखिए, आप सूखे कपड़े पहनिए और आयरन करके प्रेस करके पहनिए, और आप एंटीबैक्टीरियल जो सॉप होती है, जो साबुन होती है, उससे नहाइए। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा इस खदीरा रिस्ट के बारे में, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो आप जो कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो, या इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है पतंजलि से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडिया।